हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो यार, आशा करता हूँ आप लोगों को कल की व्लॉग बहुत पसंद आई होगी, या फिर थोड़ी तो आई होगी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मैं बनाते रहूँगा और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल हम आ रहे हैं ऋषिकेश काम करने के लिए, यहाँ से काम निपटाएंगे और आज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बाइक का पॉल्यूशन भी करवाना है और जहाँ हमने बाइक की सर्विस कराई थी उनके पास भी जाना है। उनसे हमें वो आगे डिस्क का जो सामान होता है, हमने बोला था उनको कि सेकंड हैंड जुगाड़ करके रखना, अगर उन्होंने रखा होगा तो उसको भी लगा देंगे। तो चलते हैं और काम निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। वैसे आज मुझे लगता है कि यहाँ लेट भी हो सकती है, तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था यार, हम तो खुशियाँ ही बांटने आ रखे हैं, पर हमारे जैसे और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। जैसे कि देखिए, सर हैं यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक दिवाकर। अभिषेक दिवाकर सर जी हैं, तो यहाँ पे बैठ के छोले चावल खा रहे थे आराम से, पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये देखो, ये साथ में देखो, इन दो बच्चों को भी खिला रहे हैं। क्या है बेटा आपका नाम? रोहित। आपका नाम क्या है? दीपक। ये सर आपको खाना खिला रहे हैं, है? तो देखिए गाइस, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तहे दिल से आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सो गाइस, हम बैक टू मोहजी के ऑफिस में वेट कर रहे हैं, कोई आ रहा है, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि 12:30 हो चुके हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि आज लंच करना पड़ेगा, क्योंकि आज भाई भी साथ में आया, घर में कोई नहीं है, तो कौन लंच बनाएगा। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें यहीं से लंच करके फिर चलेंगे। और अभी देखा यार आपने, वो पुलिस वाले भैया यार देखो कितना अच्छा काम कर रहे थे, मतलब अच्छा काम। मैंने कल अच्छा काम किया था, उससे पहले भी मैंने एक की मदद करी थी और कल भी मैंने बच्चों को बहुत सारी टॉफ़ी बांटी, और आज मैं आ रहा था तो देखा, मुझे दिखा कि वो वही उन गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं। तो अच्छा है यार, मैं मदद करनी चाहिए, अच्छा लगता है, एक बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, जैसे कि बोला था हमने कि लंच टाइम हो चुका है और 1:30 बज चुके हैं, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे लगाया कि थोड़ा ढंग का खाना मिलेगा, तो यहाँ पे खाते हैं अपना दाल चावल, लंच करते हैं और इसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। देखते हैं, अगर थोड़ा और टाइम हमें मिलेगा तो थोड़ा ज़रा ऋषिकेश आ रखे हैं, तो थोड़ा ज़रा आस पास देखेंगे कोई जगह होगी बढ़िया, तो आप लोगों को ले चलूँगा वहाँ पर दिखाने के लिए। और मुझे लगता है आज हमारा पूरा दिन यहीं इन्वेस्ट होने वाला है। सो गाइस, लंच हो चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से ऋषिकेश से जहाँ से ट्रेन जाएगी वहाँ पे क्या अपडेट है। मुझे दिखाई दे रहा है सामने, ये पुल तो बना है और ये शायद से ट्रेन का ही पुल है, तो चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे कितने सारे ट्रक रुके हुए हैं, और वो रहा पुल जिसमें हम जा रहे हैं देखने कि क्या अपडेट है। यहीं से ट्रेन पहाड़ों की तरफ जाएगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि शिट, पैर लचक गया था गाइस। तो जैसे कि हमने सोचा था, यही वो पुल है जहाँ से ट्रेन जाएगी पहाड़ों में। और इधर देखिए पीछे, योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, वो भी नया बना है। पहले पुराना रेलवे स्टेशन था, उन्होंने नया रेलवे स्टेशन बना दिया है, और यहीं से जाएगी ट्रेन अपनी पहाड़ों में। देखिए गाइस, तब कितना अच्छा हो जाएगा ना, जब हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ों में ट्रेन चलेगी, बहुत सारी चीज़ों की सुविधा मिलेगी, हैं एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंस काफ़ी सस्ता हो जाएगा, हैं मतलब लैंडस्लाइड वगैरह जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी, और बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ट्रेन का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि कब ट्रेन हमारे उत्तराखंड में आएगी। अगर आप लोग भी उतने ही बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यार वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर किसी को इसके प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ अपडेट है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और गाइज, ये पुल के बगल से देखो, ये सीढ़ियाँ जा रही है नीचे नदी की तरफ, तब तक चलते हैं और नदी के दर्शन करते हैं। वो देखो गाइज, हेलीकॉप्टर। तो गाइस, आखिरकार हम नदी के पास पहुंच ही गए। पहले ये नदी सूखी रहती थी, आजकल बरसात में इसमें बहुत अच्छा पानी हो रखा है।
पर गंदा हो रखा है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सो गाइस देखो आखिरकार हम पहुंच ही गए नदी के पास और नदी का पानी बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने बादल लगे हुए हैं पहाड़ों में, वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और ऋषिकेश में भी लगातार बूंदाबांदी हो रही है और नज़ारे बहुत अच्छे सुंदर हो रखे हैं। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है पर आप खुदा के यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। और ये नदी हमेशा सूखी रहती थी, आजकल बरसात में ही यहाँ पे पानी आया है। गाइस अब वापस चलते हैं और मौसा जी के ऑफिस में बैठ के वेट करते हैं। सो गाइस अब ये सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें, ऊपर से नीचे देखने में इतना नहीं लग रहा था पर अगर आपको मैं यहाँ से खड़े होके दिखाऊंगा तो ये देखो कितनी स्टीप स्लोप है। तो चलो चलते हैं। ये देखो गाइस एक्सरसाइज करने का अच्छा तरीका है, नाइस नाइस। अभी हमने लंच करा था, पूरा लंच डाइजेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं, लंच के बाद आप वॉक करेंगे, खाने के बाद, डिनर के बाद। अबे यहाँ से चल, हाँ वहीं से चल, वहीं से। और ये देखो गाइस किसी ने यहाँ पे बहुत ही शानदार कलाकारी करी है, थम्स अप टू दिस कलाकार। और गाइस यहाँ देखो यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में माल लोड हो रहा है और वहाँ पे हमारे पुलिस वाले भाई जी भी हैं। और यार इसी केस में बहुत ज़्यादा उमस होती है गाइस क्योंकि नदी के किनारे जो भी शहर बसे होते हैं ना वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ी ज़्यादा ही होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। देख रहे होंगे आप कितने पसीने छूट गए और जबकि मौसम देखो धूप कहीं है ही नहीं, बूंदाबांदी हो रही है पर स्टिल इतनी उमस हो रही है कि पसीने छूट रहे हैं। गाइस ये देखो भाई साहब पैतुड़ी के पत्ते भाई कितने बड़े हो रहे हैं भाई, ये तो इंसान के बराबर है, पकड़ दो जरा। ये देखो गाइस, यहाँ तो पूरा ही भयंकर पतुड़ी के पत्तों का जंगल बना हुआ है और ये साइज देखो जरा इस पत्ते का। और यहाँ पे मैं तेरे को एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितना बड़ा है यार ये पतुड़ी का पत्ता, बस तू यही दिखा पाएगा लेकिन मैं तेरे को एक और चीज दिखाता हूँ। क्या? ओ गाइस देखो इतने बड़े पत्तों में हमें कितना बड़ा स्नेल मिला है, भयंकर कितना बड़ा है भाई ये। ओ बेटा ये देखो गाइस इतने बड़े पत्ते में इतना बड़ा स्नेल मिला हमें, ओ भयंकर। ये देखो और खाली नहीं है ये देखो इसके अंदर है जानवर, ओ भयंकर। हो इसको वापस रख देते हैं गाइस बेचारे को, चल भाई चिपक जा। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े पत्ते हैं यार पतुड़ के, अबे गिर गया बेचारा। ये देखो पूरा पतुड़ के पत्तों का जंगल बना हुआ है अंदर। इसमें कर इसमें इसमें कर, अरे वाह आँख बन गई दो, अब मुंह बना दे। ओए भाई सच में यहाँ देख मुंह बन गया गाइस, लाइक करो सब्सक्राइब करो। 3 बज चुके हैं और लंच भी कर लिया है हमने यहीं पे और अब हम चाय भी पी रहे हैं यहीं पे, गर्मी हो रही थी तो एसी चला दी है और अब फाइनली अपना काम निपट चुका है और अब हम जाएंगे घर। अच्छी यार ये अच्छी चाय नहीं बनाता यार, मैंने बताया है आपको ना बढ़िया चाय नहीं बनाता है, पर क्या करें मजबूरी है भाई, अकेला बंदा है उसी की लेनी पड़ती है चाय। एक और है पर वो तो उससे भी और खती हुई चाय बनाता है। तो जिम तो नहीं जाएंगे गाइस आज क्योंकि यार हाथ में दर्द हो रहा है, अब सोच रहा हूँ रेस्ट ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट एक हफ्ते का रेस्ट मुझे चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर के पास तो गया नहीं, अब मुझे पता नहीं है कि हाथ में हुआ क्या है, कि मसल टियर हुई है, कि स्ट्रेन आया है, कि मसल खींची है, क्या हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि रेस्ट करो, रेस्ट इज बेस्ट। अभी हम वापस पहुँच चुके हैं और ये देखो ये खा रहा हूँ मैं, आपने कभी खाया है ये मूंगरी से बनता है, इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, कॉर्न मक्की के दानों को पीस के उसका आटा बना के उससे बनता है ये। वो भैया बोलते कि चाय पी लो तो तब रुक गए और ये खा रहे हैं। आपने कभी खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो बारिश का मौसम हो गया ना, ठंडे हो गए, ये कुरकुरे होते हैं ना तभी मज़ा आता है खाने में। ये लुंगी बड़ी खतरनाक है यार तेरी, ये लुंगी बड़ी खतरनाक है तेरी। किसने बांधनी है ऐसे? खुद बांधी तूने? पापा ने सिखाई? तेरे पापा भी ऐसी लुंगी बांधते हैं? जरा वो कर दे एक बार, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। क्या हुआ पैर में? कैसे? सीढ़ी से गिर गया। साइकिल से? अब देखा नहीं उसने स्टंट मारा का? अभी स्टंट मारना आता है ना, तो साइकिल से दिखा। ना रहने दे, मत दिखा। तू चुप रह यार, तू दिखा। तू क्या लेने आ रहा दुकान में? क्या लेने आ रहा? चावल। पहले स्टैंड तो दिखा दे यहाँ पे। तो जाने दे यार उसको, चावल बनाने होंगे। अबे तो चावल तो रात को बनेंगे, अभी थोड़ा ना बनेंगे। तो गाइस अब हम घर वापस आ चुके हैं और ये देखिए हम मैगी खा रहे हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत थक गया हूँ, 6 बज चुके हैं, अब कहीं जाने की हालत नहीं है। अब सीधा सो जाएंगे, रात को उठेंगे, खाना बनाएंगे, फिर सो जाएंगे और कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपके लिए बढ़िया और इंटरेस्टिंग मज़ेदार कंटेंट लाते रहूँगा। तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।